प्रीव्यू। हमारी मांगे पूरी करो, खाली करो। बोनस आमच्या हक्काचं, बोनस आमच्या हक्काचं, वाढीव पेमेंट आमच्या हक्काचं, मानधन मिळालंच पाहिजे। आमदार एकता जिंदाबाद, सीएनटीयू जिंदाबाद। 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जो मोर्चा निकाला गया था, काम बंद आंदोलन किया गया था, जब सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहब थे, जब उन्होंने आशा आरोग्य कर्मचारी का मोर्चा स्थगित किया था, और जो 2000 रुपये आशा कर्मचारियों को वार्ड और वार्ड प्रवर्तक को 3000 वार्ड ऐसा जीआर निकाला था। लेकिन अभी एक साल हो गया, एक साल होने के बाद में भी आशा और गट प्रवर्तक के खाते के ऊपर वो आया नहीं है। एक साल होने के बाद अभी घोषणा की है कल, क्या राज ठाकरे अपने उद्धव ठाकरे साहब जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने हमको लेटर दिया था, लेटर दे के हमारे कृति समिति को बोला, विनंती की क्या मोर्चा जुलूस मत निकालो, क्योंकि अभी कोविड-19 का ये चालू है, महामारी का चालू है, तो आरोग्य डिपार्टमेंट में आशा सब काम करती है, तो इसके लिए अपन ये मोर्चा नहीं निकालेंगे, जरा विनंती की थी हम लोगों को। लेकिन हमने 6 महीने तौकुब किया सब कुछ, और तौकुब करने के बाद में अभी तक वो आया नहीं। परसों के दिन जो अब हमारा धरने का, मोर्चा का, काम बंद आंदोलन का जो लेटर क्या गया कृति समिति का, तब उन्होंने कल जीआर निकाला, और जो 57 कोटी रुपये आशा के खाते में डालने का आश्वासन दिया है, लेकिन जो भी आश्वासन दिया है और खाते पे जाने वाले हैं, लेकिन जो आशा है 70,000 आशा महाराष्ट्र में है, गट प्रवर्तक भी है, तो वो जो है 4 महीने का उन्होंने जुलाई से लेकर आज तक का बोला है, लेकिन सितंबर से लेकर आगे कौन देगा, इतने में वो बजट होता नहीं है। वो हुआ है उसके लिए थोड़ा सा सरकार के लिए संतोष है आशा और गट प्रवर्तक के मन में, लेकिन जो कोविड महामारी के इसमें पीरियड में जो आशा ने काम किया है, प्रथम योद्धा आशा हो गई है उसमें, और हर एक कोविड योद्धा के साथ उन्होंने काम किया है, पल्स लेना, टेम्परेचर लेना, उसका फॉलोअप लेना, अरे वो कारण में हमारी मांग थी कि 300 रुपये पर डे आशा को मिलना चाहिए, लेकिन 300 रुपये पर डे भी मिला नहीं है, अभी तक मिला नहीं है, अभी कम से कम 8-7 महीने हो गए वो काम को भी, अभी तक उसके पेमेंट में गया वाला नहीं है, और कर्मचारी का जो दर्जा है आशा को देना चाहिए, और किमान वेतन 21,000 रुपये मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा भी मिलना चाहिए। अभी ये आशा वर्कर ने कम से कम 12-12 साल से काम कर रहे हैं, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र शासन भी इनका कोई दिल पे ले रहा नहीं, मन पे ले रहा नहीं, और राज्य शासन भी मन पे ले रहा नहीं। तो आशा के अभी दिवाली का पीरियड है, ये तो जाएंगे, जो जाएंगे वो जाएंगे, 4 महीने का जो पेमेंट डाल रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, जीआर निकल रहा है, लेकिन अभी दिवाली के पीरियड में जो 5,000 रुपये बोनस की मांग आशा आरोग्य कर्मचारी के ओर से पूरे महाराष्ट्र में चालू है। ये दिवाली का कितना बोनस डाल रहे हैं आपको, एक एक बोनस नहीं, बोनस तो नहीं दे रहे हैं, हमारी मांग है कि आशा को 5,000 रुपये बोनस डालना चाहिए, और जो ये पीरियड में काम किया वाला है ये भी डालना चाहिए, 300 रुपये पर डे के हिसाब से वो भी मिलना चाहिए, और जो महानगर पालिका की जो आशा है, यहाँ तो अभी 3-3 महीने हुए पेमेंट उनको मिला नहीं है, बोनस तो गए साल जो 2019 को महापौर थे नंदकुमार घोड़ेले साहब, उन्होंने कबूल भी किया था, पेपर को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रेस को फ्लैश भी हुआ था, लेकिन 5,000 का बोनस देने का बोले थे, लेकिन 5 पैसे भी आशा के खाते पे नहीं आ रहे, तो इस वजह से मतलब और अभी ये साल भी 5,000 रुपये की मांग की है आशा को बोनस देना, दिवाली मतलब मिठाई कम से कम वो आशा खाएंगी, जो कोविड महामारी के कारण जो भी हमारी आशा बाधित हुई वाली है, कम से कम 70-65 आशा बाधित हुई, उसका पूरा परिवार भी बाधित होने वाला है, कोई कोई आशा को मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो ये प्रॉब्लम के वजह से आशा थोड़ी सी मतलब आक्रोश कर रही है कि कुछ काम का मतलब मिलता नहीं है, प्रथम योद्धा हम लोग है, तो हमारा जो राज्य का जो काल था हमने कल सब आमदार को यहाँ पे सबको कॉल किया मैंने, तो बाकी के आमदार जो है संजय सिरसाठ साहब भी मुंबई को है, अंबादास दानवे साहब भी मुंबई को है, और सावे साहब थे तो वो भी यहाँ पे मिले नहीं, तो उनके ऑफिस को हमने निवेदन दिया है, सिर्फ जयसवाल साहब हमको मिले हैं, तो जयसवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई ये लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इनके कैटेगरी में मतलब ऐसा है जो 20 साल से काम कर रहे हैं, तो उसकी इसके हिसाब से जैसा जिसकी सर्विस ज़्यादा हुई है तो उनका परमानेंट का भी हम देखेंगे,
और आगे करेंगे। ये दिवाली के बाद में ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। भागवत करण साहब से भी खासदार से मेरी बात हुई है, तो वो दिल्ली को है, तो उनको वो बोला आशा, उन्होंने बोला है कि आशा क्या है मैडम, ये आशा और गठ करोड़ तक क्या है, जो व्हाट्सएप पे मैंने लेटर डाला है ये जो निवेदन का, तो उन्होंने बोले क्या है, तो मेरे को मतलब थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई ये मालूम नहीं है। तो मैंने उनको बोली कि साहब आप केंद्र में है, अभी यार केंद्र में होकर वहाँ पे पूछिए आशा क्या काम करती है और आशा का क्या रोल होता है। तो मैंने समझाया उनको कि आशा जो है तो ये आरोग्य का काम करती है और जो सुपरवाइजर है गठ प्रवर्तक यो उनका सुपरवाइजिंग का काम करती है, तो जरा इनके लिए जरा देखो इनकी जो जन्म है तो वो प्रोजेक्ट दिल्ली से जाने वाला है यहाँ पे, ऐसा मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, मैं इसके ऊपर यहाँ पे जो भी है उनका आरोग्य सचिव उनसे चर्चा करता हूँ, 7 तारीख को मेरे को मिलने को बुलाया है उन्होंने, और जो इम्तियाज जलील साहब है इनसे भी मेरा संपर्क हुआ है, तो वो बिहार को है, तो बोले मैडम लेटर मेरे को व्हाट्सअप पे भेज दो, आने के बाद मैं मिलूंगा, जो भी मसला है आप उन बैठ के कमिश्नर के साथ में बैठ के जो महानगर पालिका के वो भी हल करेंगे, और जिला परिषद का जो है जिला में अपना डिमांड क्या रहेंगी, अपनी डिमांड क्या है, अगर कभी आपकी मांगनी पूरी हो, हमारी मांगनी अगर पूरी होती नहीं है तो अगला जो नियोजन है तो वो बहुत ही मतलब राज्य कमेटी तय करेगी, तीव्र आंदोलन होगा उसके लिए, और जैसा कॉल आता है राज्य का कॉल आता है सेंट्रल का कॉल आता है उस हिसाब से हम वो कार्यक्रम रखेंगे। आपका नाम बोलो पूरा। मेरा नाम कॉमरेड मंगल ठोंबरे, आशा वर्कर आरोग्य कर्मचारी यूनियन की मैं कार्याध्यक्ष। Yeah, let's play it.